हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुराधा। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा DIY जो फेस्टिव सीजन से रिलेटेड है। तो फेस्टिव सीजन में तो अभी फिलहाल कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है, तो हम इसी के पर्पज से एक DIY बनाएंगे। तो आप तो वीडियो में देख ही लिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, हम कृष्ण जी बनाने वाले हैं और वो भी कार्डबोर्ड से। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम कार्डबोर्ड लिए हैं और इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किए हैं डिज़ाइन। तो और उसके बाद हम दूसरे कार्डबोर्ड में, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम इसी के अकॉर्डिंग हम इसको नाप के और उसके बाद हम इससे हम ड्राइंग करेंगे। तो हमारा ड्राइंग तो कंप्लीट हो गया है और इसको हम कैंची या कटर जो भी हो उसके हेल्प से आप इसे कट करके अलग कर दीजिए। और जब हम इसको पार्ट बाय पार्ट कट करके अलग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है और कैसे कैसे ये ड्रॉ हुआ है। क्योंकि वीडियो स्किप हो गई थी उसके लिए सॉरी, मुझे ध्यान नहीं आया था। तो चलिए, और ये वीडियो एंड तक देखिएगा जो बहुत ही अच्छा है, और आप भी इसे बना सकते हैं और आप इसे किसी को गिफ्ट के पर्पज़ से भी दे सकते हैं या फिर डेकोर के लिए भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लिए हैं और कैंची से इसे हम आसानी से काट लिए हैं, लेकिन आप कटर की हेल्प से काटिएगा तो और अच्छे से कट जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ क्या 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 ड्रॉ करके काटे हुए हैं और इसके बाद हम इसको इसमें कलर करते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर से हम कलर कर रहे हैं, तो ये कृष्ण जी की जो पगड़ी होते हैं वो हैं, तो हम उसको ऑरेंज कलर से कर रहे हैं क्योंकि लाइट कलर को ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये सब में, क्योंकि फेस्टिव सीजन से रिलेटेड है तो ज़्यादातर लाइट कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सब चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो चलिए हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, आप वीडियो पे बने रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा वीडियो है और बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो आपको बनाने में। तो यहाँ हम कलर कर दिए हैं और कलर करने के बाद हम इसमें कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और इसके बीच में भी हम येलो कलर से बूटा बूटा दे देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये हम डिज़ाइनिंग कर लिए हैं। अब लेते हैं दूसरा पार्ट इसका। तो इस दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे येलो और फिर उसके बाद रेड, ब्लू, इसमें आपको चॉइस है, आपकी कलर चॉइस जो भी हो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं ब्लू कलर, रेड कलर और येलो कलर। तो यहाँ पे हम एक एक करके, एक एक बीच कर करके इसको हम डेकोर कर रहे हैं कलर से। और इसके बाद हम इसकी आउटलाइन, आप चाहें तो गोल्डन कलर से, जो भी आप जिसमें भी आपको आउटलाइन करना हो तो गोल्डन कलर से कीजिएगा, क्योंकि गोल्डन कलर इस पे ज़्यादा खिल के आएगा। मेरे पास गोल्डन नहीं था, येलो था। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे येलो कलर कर रहे हैं आउटलाइन में। जहाँ भी आउटलाइन कीजिए आप, ज़्यादातर इसमें गोल्डन का यूज़ कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। और ये है हाथ, तो इसको हम ब्लैक कलर से कर दिए। और इसके जो नीचे है, जैसे कि कृष्ण जी को वो बैंगल्स पहनते हैं, तो इसमें हम ये वाइट कलर का किए, सॉरी वाइट नहीं, येलो कलर का हम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसकी आउटलाइनिंग भी हम येलो कलर से कर रहे हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि आप गोल्डन कलर से कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका जो नेल्स होता है उसको भी हम गोल्डन कलर से ही करेंगे, लेकिन गोल्डन नहीं था तो येल्लो से ही हम सारा चीज़ इसमें कर चुके हैं। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम वैसे ही करना है। तो चलिए हम इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं कलर पेपर येलो, और इस येलो ऑरेंज पे, सॉरी येलो पेपर से हम बना रहे हैं बांसुरी। और इस तरह से रोल करके हम इसका स्टिक बना लिए हैं। तो यहाँ बांसुरी बन के कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। वैसे ही आप वेस्ट कार्डबोर्ड हो या फिर साड़ी के जो भी डब्बे होते हैं वो हो, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उस पर आप ड्रॉ करके ऐसे कटिंग काट के अलग अलग कर लीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पे ग्लिटर पेपर लिए हैं और इस ग्लिटर पेपर पर हम बना रहे हैं वो विंग्स होते हैं, पंख, मोर पंख, उस तरह का शेप दे के हम इसमें ऐसे बना रहे हैं। और इसके ऊपर हम पिंक लगा दिए हैं, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे ब्लू लगा सकते हैं, लेकिन ब्लू नहीं था तो हम फिर से इसके ऊपर हम ग्रीन ही अटैच कर दिए हैं। और अब हम लेंगे फेविकॉल या ग्लू। तो यहाँ हम ग्लू ले रहे हैं,
और इसको जैसे वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से हम यहाँ पे इसको अटैच करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे बांसुरी, और उसके बाद जो हम कलर किए थे हैंड का, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे। और जो मोर पंख है जो हम बनाए थे ग्लिटर पेपर से, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया है ये कृष्ण जन्माष्टमी का वॉल डेकोर। तो देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, और जाइए और फटाफट इस DIY को ट्राई कीजिए। आप इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं, डेकोर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।